आज की सबसे अच्छी खबर आ चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन फिर से ब्रह्मास्त्र का सिक्वल बनाने जा रहा है। भैया हमें लगा था मूवी तो उतना कुछ खास कमाई नहीं, फिर उसको काफी ट्रोल भी होना पड़ा था पब्लिक में, सो इसलिए शायद इस फ्रेंचाइज को बंदी कर दिए होंगे मेकर्स। ना भैया, इसके डायरेक्टर अयान मुखर्जी ये महास से बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है। इनकी पहली फिल्म ज्यादा कमा नहीं पाई, बट ये अपने सिक्वल से 2000 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो भाई आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र 2 के अंदर अभी क्या चल रहा है। देखिए वैसे तो ब्रह्मास्त्र एकदम खराब फिल्म नहीं थी, कुछ अच्छी चीज भी थी उसमें, बट उस समय ज्यादा ही बॉलीवुड बॉयकॉट के नारे चल रहे थे, तो बेचारा ब्रह्मास्त्र भी उसी चक्की में पीस गया। हाँ, लेकिन ब्रह्मास्त्र में एक चीज जो सबको घटिया लगी होगी वो थी आलिया भट्ट की एक्टिंग और उनका स्क्रीन प्रेजेंस। भाई फिल्म में जिसके पास सुपर पावर है वो सारे मर रहे हैं, लेकिन ये लड़की जिसके पास इन्हीं शक्ति उक्ति नहीं है वो जुनून से लड़ रही थी। और फिल्म में ऐसा दिखाया गया यही बचा रही है दुनिया। और इस फिल्म का इंडियन कंसेप्ट भी काफी लोगों को और दिमाग खराब कर दिया होगा। भाई ब्रह्मास्त्र दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र है, उसको शांत कर दिया शिवा और ईसा के प्यार ने, मतलब कुछ भी स्टोरी के नाम पर डाल दिया गया था। उम्मीद करते हैं अगली बार अयान मुखर्जी लोगों का रिव्यू सुनकर ही आगे कहानी तैयार किए होंगे। हाँ भाई, ब्रह्मास्त्र 2 का स्क्रिप्ट डायरेक्टर लगभग कंप्लीट कर भी लिए हैं और अभी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। और अयान मुखर्जी ये भी बोल दिए हैं, हम पिछली बार जैसा इसको 10 साल में नहीं बस 2-3 साल में बना के यानी 2025 तक रिलीज कर देंगे ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को। देखो मुझे लगता है ये जो ब्रह्मास्त्र 1 की कहानी में जो खराबी थी वो असल में कहानी में नहीं बल्कि समय में खराबी थी। हाँ भाई, उन्होंने पहले पार्ट का स्क्रिप्ट 10 साल पहले ही बनाया था। उस समय जनता लव एंगल वाली फिल्में देखना पसंद करते थे, लेकिन आज के ऑडियंस का टेस्ट एकदम ही बदल चुका है। अगर शाहरुख खान की राउंड फिल्म आज रिलीज होती तो पक्का लोग इसे ट्रोल नहीं करते और वो मेगा हिट हो जाती। वो फिल्म आज के ऑडियंस के लिए एकदम परफेक्ट है, बट इसका भी समय खराब था। शाहरुख खान ने बड़ा जल्दी ही 2011 में बना दिए उसको और ब्रह्मास्त्र को अयान मुखर्जी 10 साल लगा दिए बनाने में। ये उनका सबसे बड़ी गलती थी। 10 साल में तो फिल्म नहीं बदला बट ऑडियंस बदल गई। सो अब देखते हैं पार्ट 2 देव कैसा होता है। अभी तो काफी सारे स्टारों ने देव को प्ले करने से मना कर दिया है। रॉकी भाई, विजय देवरगोंडा, ऋतिक रोशन, शायद हो सकता है आखिर में रणवीर सिंह ही देव का कैरेक्टर प्ले करें। बाकी आपको क्या लगता है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव 1000 करोड़ कमा सकती है या नहीं? अपनी राय जरूर देना हमें कमेंट में और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।